यदि आप किसी भी नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाना चाहते हैं तो आप मेरी ये जो ई बुक है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरे नियम को अच्छे से समझाया है। ये आपने मोबाइल में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और सभी नियम को जानें। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं चार व उससे अधिक अक्षरों वाले नाम को हम कैसे बनाते हैं। यहां पर मैंने पहले आपको तो सिखा चुका कि नाम बनाने के नियम क्या है, लेकिन यहां पर बहुत से आप लोग के डाउट थे, उसे मैं आज क्लियर करने के लिए वीडियो खासतौर पर बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग को ये नहीं पता है कि उनको लगता है कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको नियम में कि यदि कोई मात्रा नहीं है बीच में तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जहाँ पर ए हम नहीं लगाते हैं जब हम चार अक्षर या उससे अधिक अक्षर के नाम लिखते हैं। तो क्यों नहीं लगाते हैं, क्या कारण है और किस प्रकार से लिखते हैं, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे एक नाम हमने लिखा था, पहले मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हम लिखते थे कमल, हम लिखते थे कमल, तो मैंने बताया था आपको कि क के लिए हम के का उपयोग करते हैं। और क्या बताया था, कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाते हैं, तो ये हो गया क, ये हो गया क, पूरा क उच्चारण हो रहा है, अभी हो रहा है। फिर म के लिए मैंने बताया था एम, फिर कोई मात्रा नहीं है तो वहां पर हम ए लगाते हैं, तो हमने लगाया ए, अभी ये म पूरा हो गया क म। फिर ल के लिए एल, कोई मात्रा नहीं है लेकिन अंतिम में है, तो ये मैंने नियम बताया, पहले का वीडियो आप देख लेंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से नाम लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर अंतिम में है यदि ल, या फिर कोई भी सिंगल जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर ई की मात्रा, ओ की मात्रा, तो अलग बात है, यदि नहीं है तो वहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे। यदि जो मात्रा होती है तो मात्रा लगाते, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, कोई मात्रा नहीं था तो हमने ए लगाया, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं था तो भी ए लगाया एम के बाद, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है लेकिन अंतिम में हम ए नहीं लगाए, क्योंकि कमल ल के बाद खत्म हो जा रहा है, वहां पे अ उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए क म ल, तो ल तुरंत खत्म हो जाता है कमल, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं करते हैं। तो ये नियम है, बीच में लगाते हैं, अंतिम में नहीं लगाते। लेकिन इस प्रकार के कोई नाम है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शबनम, तो आप ये देखेंगे श, शक्कर का शक्ल हम एस एच लिखते हैं, तो इसे मिटा देता हूं मैं भी। SH के लिए हम लिखते हैं, स के लिए हम लिखते हैं SH। अब यहां पर मैंने बताया था कोई मात्रा नहीं होता तो आपको A लगाना पड़ता है, तो आप यहां पर A लगा लीजिए, ये हो गया आपका श। फिर ब के लिए हम लिखते हैं B, तो हमने लिखा B। अब यहां पर कोई मात्रा नहीं है तो यदि आप उसी नियम से A लगा देंगे, इस प्रकार से A लगा दिए, फिर न के लिए आपने N लगाया, कोई मात्रा नहीं है तो A लगाया, म के लिए आपने M लगाया और अंतिम में है तो कोई मात्रा नहीं लगाया। अब आप सोचेंगे कि ये तो सही है, आपने जो नियम बताया था पहले तीन अक्षर वाले नाम हम जब लिखते थे, दो अक्षर वाले, तो ये जो नियम आपने बताया था तो ये इस प्रकार से रहेगा, तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बी के बाद ए नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो शबनम है ये दो शब्द होते हैं उससे मिलकर बना हुआ है। देखिए, ये हो गया आपका शब और ये हो गया आपका नम, शब नम। तो यहाँ पर क्या होता है, जब शबनम पढ़ते हैं तो सब को हम पहले पढ़ते हैं फिर नम को पढ़ते हैं, शबनम जैसे पढ़ते हैं एक साथ, तो सब जो है इसमें ये पहला हो गया, फिर जो नम है ये दो हो गया। तो ये दो अक्षरों से, दो शब्दों से अब मिलकर बनता है कोई भी जो नाम है, तो हम उसे अलग अलग लिखते हैं, मतलब लिखते तो एक साथ है लेकिन उसका नियम जो है मैंने पहले बताया था, दो नाम लिखने वाले, तीन नाम लिखने वाले, उस हिसाब से बनाते हैं। कैसे, देखिए हम यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले शक्कर के शक के लिए एस एच, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और सब को हमें पहले लिखना है, सब आप देखेंगे सब को पहले लिखना है, तो ब के लिए हम लिखते हैं बी। अब ब के बाद हम, बी के बाद हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपका एक शब्द है वो पूरा हो गया सब में, तो देखिए सब पूरा हो गया, एस एच ए बी सब। अब क्या कीजिए, उसका ए मत लगाइए, आप उसका नम को लिखना स्टार्ट कीजिए, तो नम के लिए एन, न के लिए हम लिखते हैं एन, कोई मात्रा नहीं है तो हम लगाते हैं ए, म के लिए हम लिखते हैं एम और कोई मात्रा नहीं है लेकिन ये आखिरी में है तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। अब जो लिखा हुआ है सर्वनाम ये सही है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि कोई भी नाम जो है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि पहले एक शब्द को हमें लिखना है, फिर जो दूसरा जो उसका शब्द है उसे लिखना है इंग्लिश में, उसके बाद आपका नाम सही हो जाएगा। वहां पर ए लगाना है कि नहीं आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकमल,
अब आपको यहां पर देख रहे होंगे, आपको पढ़ने ही से समझ आ रहा है कि नील कमल, तो नील अलग है और कमल अलग है, दो शब्दों से मिलकर बना है नाम नील कमल। तो जब इस प्रकार के नाम आते हैं तो आपको दोनों को अलग अलग लिखना पड़ता है, मतलब पहले नील का स्पेलिंग बना लीजिए फिर आप कमल का स्पेलिंग बना लीजिए, तो आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा। वहां पर आप उस प्रकार के जो कमल वाले स्पेलिंग में ए हर बार लगाते थे वैसे आपको लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस प्रकार से बनाएंगे तो आपका नाम गलत हो जाएगा। जैसे कि देखिए नील और एक कमल, तो मान लीजिए पहले के नियम से आप बनाते हैं तो ना में बड़ी की मात्रा, तो ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ई, यदि स्टार्टिंग में या फिर स्टार्ट में होता है फिर बीच में होता है तो डबल ई, आखिरी में बड़ी की मात्रा तो हम वहां पर आई लगाते हैं। आपको नियम पूरा पता है, नहीं पता है तो फिर वीडियो देख लेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये हो गया नी। फिर ल के लिए हम लिखते हैं एल। अब वो जो पहले का नियम आपको पता है कि कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाते हैं, स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में हो, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एल के बाद हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये दो जो शब्द से मिलकर बना हुआ, ये चीज ध्यान देंगे, इस प्रकार के लंबे नाम है जो दो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो शब्द से, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें एक जो शब्द है या एक नाम है उसे पहले लिखना है फिर दूसरे को मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर नील और कमल, तो नील पहले लिखे, एन के लिए न के लिए एन, बड़ी की मात्रा के लिए हम लिखा डबल ई, ल के लिए हमने लिखा एल। अब नील कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने बताया था अंतिम में जो आता है उसके बाद आपको ए नहीं लगाना, तो नील को आप एक मानिए तो नील हो गया। अब लिखिए कमल, तो कमल क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, म के लिए एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ल के लिए हम लगाते हैं एल। लेकिन नियम मैंने बताया था कि यदि अंतिम में है कोई भी यहाँ पर नाम जो अक्षर जो लिखा हुआ है, कोई भी अंतिम में लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको ए नहीं लगाना है यदि कोई मात्रा नहीं है। तो मान लीजिए छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, और वहाँ पर ऊ की मात्रा है तो आप यू लगाएंगे, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना होता है बीच में या स्टार्टिंग में। लेकिन यदि यहाँ पर अंतिम में है तो आपको वहाँ पर ए नहीं लगाना है। वो पहले के नियम मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप पूरा नाम लिखना सीख जाएंगे, आप देख लेंगे पूरे पार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, पहले एक फिर दो, मतलब दोनों को मिलाते हुए लिखना है। कि नियम ये है कि आपको पहले का नाम लिखना है फिर दूसरे वाले का, आपका हमेशा सही होगा, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ ए लगाना है कि नहीं। एक दो नाम और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये भी वैसी है, घनश्याम, तो आपको समझ आ गया होगा पहले आप घन को लिखेंगे फिर श्याम को लिखेंगे, क्योंकि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है घन और श्याम। तो पहले घन लिख लेते हैं, घ के लिए हम जी एच का उपयोग करते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे तो हमने ए लगाया, और न के लिए हम लिखते हैं एन तो हमने लिखा एन। ये हो गया आपका घन, क्योंकि मैंने बताया था जैसे एक नाम लिख रहे हैं कोई भी नाम कमल जैसे लिखे तो आखिरी में हम ए नहीं लगाए, तो हम इसे घन को एक शब्द मान रहे हैं, ये जो घन को हमने एक नाम माना है एक शब्द माना। अब पहले इसका स्पेलिंग बना लीजिए, ये घन का, फिर ये श्याम का बना लीजिए, ये श्याम, तो श्याम का आपको पता है आधा शक्कर का स है, तो शक्कर के सह के लिए हम एस एच का यूज करते हैं तो हमने एस एच लिखा। अब यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यदि ए लिखते हैं तो शक्कर का स पूरा हो जाता है और हमें यहाँ पे शक्कर का स पूरा नहीं लिखना है, तो जब भी आधा लिखना होता है तो ए नहीं लगाते, तो एस एच हो गया श्या मतलब आधा स। य के लिए हम वाय का यूज करते हैं, आ की मात्रा है तो ए लगाते हैं, म के लिए हम एम लिखते हैं, और अंतिम में है इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो अंतिम में है तो नहीं लगाते। देखिए घन हो गया और श्याम, तो देखिए श्याम की स्पेलिंग एस एच वाई ए एम, घन श्याम, घन श्याम। तो देखिए यहाँ पर बीच में आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि आप पहले घन लिख लीजिए फिर श्याम लिख लीजिए, उसी प्रकार से पहले नील लिख लीजिए फिर कमल लिख लीजिए, तो वहां पर बीच में आपको ए लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नियम था उस हिसाब से यदि आप चलेंगे आप बोलेंगे कि भाई बीच में आपने बताया था स्टार्टिंग में बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना होता है। लेकिन इस प्रकार के अब चार या उससे अधिक जो अक्षर वाले नाम होते हैं वहां पर इस प्रकार से नियम आपको नहीं लगाना है, आपको इस प्रकार से तोड़ के बनाना है, कभी भी आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। एक दो देख लेते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पर देखिए अनुपम, तो आपको कैसे बनाना है चार अक्षर वाले मैंने आपको बताया था, अ, अ के लिए हम लिखते हैं ए, और मैंने आपको बताया था जब ए है तो फिर आपको डबल ए लगाने की, एक बार और ए लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कमल था तो कमल में हमने क लिखा लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाया। अब यहाँ पर अ लिखा है कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए तो खुद में एक स्वर है तो वहां पर ए ए ही रहेगा, तो हमने लिखा अ। फिर न के लिए हम लिखते हैं एन, छोटू की मात्रा के लिए हम लिखते हैं यू तो ये हो गया अनु, फिर पम के लिए तो पी के लिए हम प के लिए हम लिखते हैं पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, म के लिए एम, और अंतिम में इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे तो ये हो गया आपका अनुपम। तो देखिए बहुत ही इजी, आप कितने भी लंबे नाम आसानी से लिख सकते हैं इस नियम से। फिर देखिए अहमद, यहाँ पर भी अ का हम ए लिखते हैं
यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए तो खुद में एक स्वर है, ये हो गया अ। फिर ह के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एच। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तोड़ के लिखना है। देखिए अह मद, ये भी दो दो मतलब यहाँ पर गुच्छे में बना हुआ है, एक अह हो गया मद हो गया, यानी दो शब्द से मिलकर बना अह मद। तो हमने लिखा अह पहले, फिर मद के लिए म, के लिए एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, द के लिए डी। तो देखिए अहमद, यहाँ पर आपको ए नहीं लगाना है बीच में, तो ये हो गया अहमद। इस प्रकार से आप जब भी नाम को तोड़ के लिखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कितने भी लंबे नाम हो आप आसानी से, जो मैंने नियम बताया उसके हिसाब से स्पेलिंग बना सकते हैं, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए एक लंबा नाम आपको देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ विवेकानंद, मान लीजिए अब यहाँ पर हमने लिख चुका है, यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं इसको, और मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये हो गया विवेकानंद। अब आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है विवेकानंद, तो आप घबराने वाली बात नहीं, नियम बस लगाते रहेंगे जो मैंने बताया था और आपका जो आंसर है वो सही आएगा, स्पेलिंग आपका सही बनेगा। तो व के लिए हम लिखते हैं वी, तो हम लिखा वी। छोटी की मात्रा के लिए हम लिखते हैं आई, तो हम लिखा आई, ये हो गया वी। फिर अगले में बढ़ते हैं, फिर व के लिए हम लिखे वी। फिर ए की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ई, और मात्रा अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर दे दूंगा साइड में, आपको मात्रा और ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सभी आपको आसानी से पता चल जाएगा, मैंने बना के रखा है। तो ये हो गया ए की मात्रा के लिए ई, तो ये हो गया विवे। फिर क में पहुँचते हैं, का में, क के लिए हम लिखते हैं के। आ की मात्रा है तो हम ए लगाएंगे, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगाना है, और आ की मात्रा है तो भी हमको ए लगाना होता है, तो हम लगा ए। फिर न के लिए एन। फिर अम की मात्रा, यानी कि आधा न है, यानी कि वो अम की मात्रा है, नंद जैसे बोलते हैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उसको, नंद। तो ये जब मात्रा लगा होता है तो उसके लिए हम ए एल लिखते हैं। यदि म रहता अंबर, जैसे अम होता अंबर, ए एम उच्चारण होता तो हम वहां पे ए एम लिखते हैं, और विवेकानंद तो आधा न का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर हम ए एन लिखते हैं, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे न ए एन, अम की मात्रा के लिए ए एन का यूज करते हैं हम। तो ये हो गया न में आधा न मिला हुआ। फिर द के लिए हम लिखते हैं डी, और कोई मात्रा नहीं है तो ए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब देखिए अब स्पेलिंग विवेकानंद, देखिए इतना लंबा नाम है, इससे भी लंबा नाम होगा तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली, बस आपको मेरे नियम के हिसाब से चलना है। और यदि आप चाहते हैं कि नियम के मैं कुछ बुक बना दूँ पीडीएफ वगैरह, तो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख लेंगे आसानी से, और आपको पूरे नियम वहाँ पर डिटेल में लिख के दे दूंगा, आपको आसानी होगा, कोई परेशानी उसमें नहीं होने वाली। लेकिन आप मेरे वीडियो भी देखेंगे, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट करेंगे यदि कोई परेशानी हो तो, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।